महानगर के विभिन्न मुख्य मार्गों और वार्डों में सड़कों सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर यूथ कांग्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष इंजीनियर अभिजीत पाठक ने शुक्रवार को युवा कार्यकर्ताओं के साथ नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। युवा अध्यक्ष ने कहा कि त्यौहार का समय है और महानगर की सड़कें पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं। वार्डों में फॉगिंग की समस्या बराबर बनी हुई है, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार के संक्रमण बीमारियां पैर पसार रही हैं। नालों की साफ सफाई नहीं हो रही है, स्ट्रीट लाइट भी जगह जगह खराब पड़ी हुई है। अगर हमारी मांगे जल्दी पूरी नहीं होती हैं, तो आने वाले दिनों में हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अध्यक्ष युवा कांग्रेस इंजीनियर अभिजीत पाठक ने कहा, मैं इंजीनियर अभिजीत पाठक हूं, युवा कांग्रेस गोरखपुर का अध्यक्ष हूं। आज हम युवा कांग्रेस के साथियों ने नगर आयुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने प्रमुख मांगें अपनी रखी हैं कि नगर में जो सड़कें हैं वो अत्यंत जर्जर हैं, नालियों की कई वार्डों में व्यवस्था नहीं है, फॉगिंग चूँकि त्योहारों का टाइम है फॉगिंग नहीं हो रही है वार्डों में, सफाई की व्यवस्था भी समुचित नहीं हो रही है, स्ट्रीट लाइट की भी समस्या है जो वार्ड में विभिन्न वार्ड हैं उसमें, मतलब जो अत्यंत आवश्यक हैं। इस वजह से हम युवा कांग्रेस के लोग आज नगर आयुक्त महोदय को शहर अध्यक्ष हमारे स्वप्न श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा है हमने, और हमारी मांगों को पूरी करने की जो अवधि रखी है वो 7 दिन के भीतर रखी है, अन्यथा हम युवा कांग्रेस के लोग 7 दिन के भीतर अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे।